हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, हमारी जो आज की वीडियो है वो है फोमिंग फ्लोरिंग मशीन के ऊपर है, जिसका दोस्तों बैरिंग टूटा हुआ है। तो चलिए इसको अभी हम इसका बैरिंग रिप्लेस कैसे करते हैं, तो वीडियो पे ऐसे जुड़े रहिएगा। जो भी मेरे चैनल पर नए हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसी वीडियो आप तक आती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड, जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने जो हमारा फोम मशीन है वो टेबल पर रखा हुआ है। इसके नीचे दोस्तों, पहले हम इसको स्टार के साथ इस तीन स्क्रू को खोलेंगे, उसके बाद में ये बटरफ्लाई स्क्रू लगेंगे। इसके आप देख नज़र आता है, ये बटरफ्लाई स्क्रू खोलेंगे। तो चलिए अभी खोलते हैं स्क्रू। इसके लिए दोस्तों ऐसे ऐसे करके लेंगे आती है बटरफ्लाई, तो जो सबसे लागू होती है। तो ये मैक्सिमम कितनी 6 mm की है। तो चलिए खोलना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, ऐसे करके इसके नीचे पहले हम खोलेंगे। आप देख रहे हैं दोस्तों, ये बैरिंग का पीस नज़र आता है, ऐसा पार्ट टूटे। उसके बाद ये बटरफ्लाई के साथ खोलेंगे। तो फ्रेंड, ऐसे वन बाय वन हम इसको नीचे जो लोहे का पार्ट लगा उसको खोलेंगे। निकालो। तो फ्रेंड, हमारे स्क्रू खुल चुके हैं। फ्रेंड, ऐसे करके जो लोहे का पार्ट होता है इसको हम खोल लेंगे। उसके बाद में ये ऊपर वाला कवर निकलेगा। तो उसके बाद में ये कवर होता है, इसको निकालेंगे। तो आपको नज़र आता है कि इसके नीचे बैरिंग टूटा है। मैं निकालने की कोशिश करूँगा। ऐसे करके बैरिंग टूटा है, इसको अभी हम रिप्लेस करेंगे। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख रहे हैं, जहाँ पे एक रोलर है जिसके ऊपर ये पुली की बैलेट चढ़ी है, पहले हम इसको खोलेंगे। उसके बाद में ये पुली निकालेंगे, उसके बाद में हम बैरिंग आराम से चेंज करते हैं। सो फ्रेंड, जैसे कि आपने देखा, पुली निकाल दी, फिर ऐसे करके बेल्ट निकालेंगे। उसके बाद में जो हमारा जो रोलर है वो निकालेंगे पुली को। जैसे कि आपने देखा, इसके बीच में जो बैरिंग ख़राब है, अभी हम इसको रिप्लेस करेंगे और कौन सा नंबर है ये भी बताएंगे। तो फ्रेंड, इसको हम अच्छी तरह से दोस्तों हम इसको साफ़ कर लेंगे। दोस्तों, इसके ऊपर थोड़ा और भी कचरा सा पकड़ा हुआ, वो भी हम धीरे धीरे इसको निकालेंगे। सो फ्रेंड, जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने जहाँ से पुली से बैरिंग निकाला हुआ है, आप देख रहे हैं इसके बीच में एक ग्रूव बना हुआ है। तो दोस्तों, दोनों तरफ इसके बैरिंग है। इसका बैरिंग का जो नंबर है आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका जो बैरिंग का दोस्तों नंबर होता है, इसका बैरिंग का नंबर है 6005। सो फ्रेंड, जैसे कि आप देख रहे हैं, इसके ऊपर नंबर लिखा हुआ है, आपको नज़र आता है जहाँ पे 6005 RS नंबर होता है, तभी ये हम नए बैरिंग को जहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। सो फ्रेंड, जैसे कि देख रहे हैं, ऐसे करके डब्बी में आता है बैरिंग, इसके ऊपर भी मॉडल नंबर लिखा होता है। तो चलिए अब हम इसको ओपन करते हैं। चलो ये हो गया। यार, 2-3 में खराश होते हैं।
पहले ट्राई करूं लंकी टाइट कर फ्रेंड जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा जो मशीन है प्रॉपर काम कर रहा है।